दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी पेट का आज दिनांक 16/10/2022 को पहले सीट का पेपर कंप्लीट हो गया। तो आइए एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधान परिषद है? करेक्ट आंसर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन टू, किस देश को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर डी, 8 अक्टूबर। क्वेश्चन थ्री, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए, कुर्ग। क्वेश्चन फोर, इसका करेक्ट आंसर डी है, सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग का पारंपरिक कला है। क्वेश्चन फाइव, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ए, तेलंगाना। क्वेश्चन सिक्स, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? करेक्ट आंसर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन सेवन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का अधिकांश उत्सर्जित? करेक्ट आंसर है सी, इंफ्रारेड। करेक्ट आंसर है सी, अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन एट, बालीवाल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? करेक्ट आंसर सी, नेपाल। और ये हिंदी क्वेश्चन 9 से 13 के लिए पैसेज है, पैसेज आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नाइन, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? करेक्ट आंसर बी, नशा करने वाले साथियों की संगति। क्वेश्चन 10, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? करेक्ट आंसर है बी, या सभी। क्वेश्चन 11, आपके दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? करेक्ट आंसर डी, बच्चों के मित्र। क्वेश्चन 12, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? करेक्ट आंसर डी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। क्वेश्चन 13, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? करेक्ट आंसर है डी, 1, 3 और 4। एक और पैसेज है, क्वेश्चन 14 से 18 के लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं तो दैट क्वेश्चन पे, रमेश ने 5000 रुपये का शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? इसका करेक्ट आंसर है, रमेश ने जोखिम, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, ये करेक्ट है। शेयर खरीदना निवेश है, ये करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि दीर्घकालीन लक्ष्य को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित कौन सा तथ्य अशुद्ध है? करेक्ट आंसर ए, 1, 3 और 4। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर बी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। क्वेश्चन 17, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? करेक्ट आंसर ए, 1 और 4। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? करेक्ट आंसर बी, सोने के गहने खरीदना। और ये न्यूमेरिकल है, लाइन ग्राफ का आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 19, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है? करेक्ट आंसर बी, 2014। क्वेश्चन 20, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? करेक्ट आंसर है डी, 1.7%। क्वेश्चन 21, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर बी, 3150। क्वेश्चन 22, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 7:10। क्वेश्चन 23, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी? करेक्ट आंसर है 93.75। क्वेश्चन 24 से 28 का ये बार ग्राफ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 24, इसका करेक्ट आंसर है बी, 2002 और 2007। क्वेश्चन 25, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? करेक्ट आंसर 23%। क्वेश्चन 26, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? करेक्ट आंसर 2007। क्वेश्चन 27, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 28, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? करेक्ट आंसर है 183.33, डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 29 से 33, ये न्यूमेरिकल है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 29 का सी,
77 क्वेश्चन 30 का कंपनी ए के लेखा कर्मचारी कुल संख्या कंपनी के अनुसंधान कर्मचारी कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। करेक्ट आंसर सी 234.2%। क्वेश्चन 31 कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कुल महिला कर्मचारियों के अनुपात क्या है। करेक्ट आंसर ए दूसरा वार्ड संबंधी 115। क्वेश्चन 32 इसका करेक्ट आंसर है डी 138। क्वेश्चन 33 इसका करेक्ट आंसर है 35 संबंधी 11। क्वेश्चन 34 से 38 इसमें क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर है 2.4 मिलियन। क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर है 5 मिलियन। क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर है 2 संबंधी 3। क्वेश्चन 37 1.8 मिलियन। क्वेश्चन 38 का करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39 गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के प्राप्त होता, करेक्ट आंसर बी निरंजना। क्वेश्चन 40 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। करेक्ट आंसर ए कन्नौज। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला नीति थी, करेक्ट आंसर ए मराठा। क्वेश्चन 42 हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किससे बनी थी, करेक्ट आंसर बी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन 43 पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, करेक्ट आंसर बी हसरत मोहानी। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, करेक्ट आंसर है डी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन 45 ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, करेक्ट आंसर डी अंग्रेजी। क्वेश्चन 53 स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, करेक्ट आंसर ए चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है, करेक्ट आंसर ए सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन 55 उस जंगल का नाम बताया जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, करेक्ट आंसर डी अमेजन वन। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, करेक्ट आंसर सी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 57 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था, करेक्ट आंसर डी वैश्वीकरण। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, करेक्ट आंसर है सी M.S. स्वामीनाथन। क्वेश्चन 59 भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, करेक्ट आंसर डी आयरलैंड। क्वेश्चन 60 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, करेक्ट आंसर वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। क्वेश्चन 61 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, करेक्ट आंसर ए विधानमंडल। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, करेक्ट आंसर बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन 63 एक हास पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, करेक्ट आंसर ए 746 वाट। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, करेक्ट आंसर है बी पानी का भाप में रूपांतरण। क्वेश्चन 65 पायरिया निम्नलिखित में किसका रोग है, करेक्ट आंसर सी मसूड़ों। क्वेश्चन 66 फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, करेक्ट आंसर ए पौधों में। क्वेश्चन 67 भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है, करेक्ट आंसर सी 3। ये न्यूमेरिकल है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा भिन्न है, करेक्ट आंसर सी 7/8। क्वेश्चन 69 इसका करेक्ट आंसर 2.35। क्वेश्चन 70 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, करेक्ट आंसर ए 40%। क्वेश्चन 71 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है, करेक्ट आंसर ए 70.2। क्वेश्चन 72 √12.0409 - √1.2544 इसका करेक्ट आंसर 2.35। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 74 श्वेत और श्वेत का अर्थ है, करेक्ट आंसर है डी सफ़ेद और पसीना। क्वेश्चन 75 खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, करेक्ट आंसर ए सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन 76 अनिल का पर्यायवाची शब्द है, करेक्ट आंसर है ए पवन। क्वेश्चन 77 गुप्त का विलोम शब्द है, करेक्ट आंसर है डी प्रकट। 78 सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है, करेक्ट आंसर है सी सत्वधन भावना। अब ये इंग्लिश का पैसेज क्वेश्चन 79 से 80 के लिए, या पैसेज पॉज में करके पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन 79 एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, करेक्ट आंसर है डी डाउनस्टेयर। क्वेश्चन 80 एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, करेक्ट आंसर सी अस्थमा। क्वेश्चन 81 चूज द करेक्ट एंटोनी मोन
मौन मीन्स विलाप करना, इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनिम जॉय। क्वेश्चन 82, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, करेक्ट आंसर बी ऑक्शनियर। क्वेश्चन 83, चूज द करेक्ट साइनोनिम एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स वनवास, साइनोनिम इसका होगा बैनिशमेंट। क्वेश्चन 84, ये सही लॉग है, दोनों कथनों के सही ढंग को दर्शाता है। कथन, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। इसका सेकंड है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी आई है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है। ये ऑड वन आउट फाइंड करना है, इसमें इसका करेक्ट आंसर 17 होगा, क्योंकि ये पहला का चौथे से है, 3 + 20 = 23, 13 + 20 = 33, लेकिन 17 + 20 = 47 होना चाहिए, जबकि 67 दिया है, तो इसलिए 70 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 86, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कौन सा कोण है, ये पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ए 138 डिग्री हो। क्वेश्चन 87, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर, और सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको 27 आप, और जेड को 1 के रूप में, तो मोबाइल का कोड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी है। 27 में सबको घटा लीजिए संख्याओं को, जो संख्या आएगी वो करेक्ट बी है। 28, द अनामलाई रेड टेल नाम के डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई है, करेक्ट आंसर ए केरल। 89, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उनसे क्या, उन्हें क्या कहेगी, करेक्ट आंसर डी नाना। क्वेश्चन 90, INS तर्कस ने लाल सागर में फ्रांस के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया था। क्वेश्चन 91, जागृति किस संबंधित है, करेक्ट आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। क्वेश्चन 92, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 93, भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलित समूह ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है, करेक्ट आंसर ए UK। क्वेश्चन 94, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, करेक्ट आंसर डी केरल। क्वेश्चन 95, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किसके बीच हुआ, करेक्ट आंसर बी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 96, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOC के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की, करेक्ट आंसर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 97, जुलाई 2022 में काफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, करेक्ट आंसर है सी इसरो। क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, करेक्ट आंसर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी, करेक्ट आंसर है ए जेरूसलम। क्वेश्चन 100, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, करेक्ट आंसर है सी लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।